हमने पिछले सेशन में सीखा था अबाउट रिडमशन ऑफ प्रेफरेंशियस दो सेशंस हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी और ये सारे रिवीजन सेशन से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले और ऐप अवेलेबल है लास्ट मिनट रिवीजन का प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले इस साल के लिए और अगले साल के लिए काफी हेल्पफुल आपको ऐप आप अवेलेबल आ, करके दिया गया है और उससे काफी सारा आपको बेनिफिट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मिल पाएगा तो डिस्कस करते हैं आज के सेशन में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे आज के सेशन में हम दो स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे दो जरनल एंट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको वो भी सिखाऊंगा वो जरनल एंट्रीज में आपको किस तरीके से अमाउंट्स को लिखना है ये स्टेप बाय स्टेप वीडियोस लाइन से देखें ताकि आपको ओवरऑल जो भी पॉइंट्स हमने इसके पहले पढ़े थे वो सारे बेसिक्स थे अगर आप डायरेक्टली इसी वीडियो पर आए हो तो पिछले दो सेशन्स को आप पहले देखिए और उसके बेसिस पे आपके काफ़ी सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो पाएंगे दो स्टेप्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में दैट विल बी इन्वेस्टमेंट सोल्ड का एडजस्टमेंट तो आपके क्वेश्चन में हमें हमेशा मिलता है इन्वेस्टमेंट सोल्ड तो इन्वेस्टमेंट सोल्ड का एडजस्टमेंट अगर आपके पास आया है हम अमाउंट के साथ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको मैं अमाउंट के साथ बताना ट्राई करता हूं तो देखो अगर फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिया है एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ एग्जाम के पेपर में कुछ अलग भी अमाउंट्स आ सकते हैं तो अगर आपके क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिया है फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं फोर लैख फाइव थाउजेंड ठीक है फोर लैख फाइव थाउजेंड इज द वैल्यू ऑफ़ इन्वेस्टमेंट ये कहाँ पे मिलेगा बैलेंस शीट के असेट साइड में जो बैलेंस शीट आपके पास दिया है उसमें मिलेगा आपको फिर क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में दिया रहेगा इन्वेस्टमेंट जो है वो सोल्ड किया है हम एक्जाम्पल ले रहे हैं फाइव लैख थर्टीन थाउजेंड में फॉर एक्जाम्पल इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया है ऐसे पॉइंट्स आपके क्वेश्चंस में आते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स का जो बुक वैल्यू है जिसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा फोर लैख फाइव थाउजेंड है इन्वेस्टमेंट्स हमने कितने में बेचा है फाइव लैख थर्टीन में तो सबसे पहले बेस ये याद रखें कि जब कभी भी हम इन्वेस्टमेंट्स को बेचेंगे तब हमें एक तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा ठीक है काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है हमें प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा तो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे वी विल बी ट्रांसफरिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इवन इफ़ वी गेट प्रॉफिट तो भी प्रॉफिट एंड लॉस इवन इफ़ वी गेट लॉस तो भी प्रॉफिट एंड लॉस तो दोनों केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे अब आपको एक बेसिक पॉइंट बताता हूँ जिनको जरल एंट्री से डर लगता है तो जब कभी भी आपको प्रॉफिट आएगा तब आपको याद क्या रखना है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट करेंगे और जब कभी भी आपको लॉस आएगा तो आपको याद क्या रखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे तो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट करेंगे और लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे अभी हम ये एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको ओवरऑल आइडिया आ पाए देखो फोर लैख फाइव थाउजेंड का इन्वेस्टमेंट्स हमने फाइव लैख थर्टीन थाउजेंड में सेल कर दिया तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कॉस्ट प्राइस हमारी कम है और सेलिंग प्राइस हमारी ज़्यादा है इसका मतलब होता है हमने इन्वेस्टमेंट्स को प्रॉफिट में बेचा तो प्रॉफिट में बेचा तो क्या रूल अभी मैंने आपको बताया प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट तो अभी मैं जनरल एंट्री करता हूँ ध्यान से देखना अमाउंट के साथ तो हम एंट्री क्या करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट बिकॉज हमने इन्वेस्टमेंट्स बेचे तो पैसे आए बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट एंड हमारा प्रॉफिट था तो आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है देखो कैसे एंट्री करना है इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितनी थी फोर लैख फाइव थाउजेंड तो ये हमारी फोर लैख फाइव थाउजेंड जो वैल्यू है वो क्रेडिट साइड आएगी कितने में आपने बेचा इन्वेस्टमेंट फाइव लैख थर्टीन थाउजेंड तो फाइव लैख थर्टीन थाउजेंड जो वैल्यू है हमारी वो डेबिट साइड आएगी और इन दोनों का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो वो आपको मिलेगा वन लैख एट थाउजेंड तो वन लैख एट थाउजेंड जो वैल्यू है वो हमारा क्रेडिट साइड आएगा एंड दैट विल बी योर प्रॉफिट सो दिस इज द प्रॉफिट का एंट्री अगर यही लॉस होता तो आप यही एंट्री करते सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो क्रेडिट में लिखा है उसको हम डेबिट में करते तो तभी क्या एंट्री बनता बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो दिस विल बी द सिंपल कंसेप्ट देखो आइदर प्रॉफिट हो या लॉस हो हमारा बेस अगर क्लियर रहेगा तो हम कोई भी टाइप का एंट्री इसमें पास कर सकते हैं कभी कभी क्या होता है इन्वेस्टमेंट सोल्ड बोलेंगे प्रॉफिट ऑफ टेन परसेंट तो फिर आप टेन परसेंट के प्रॉफिट को कैलकुलेट करो और उसके बेसिस पे आप एंट्री कर सकते हैं तो दिस इज द इन्वेस्टमेंट सोल्ड का एंट्री जो आपको ध्यान रखना है अगला जो पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अबाउट द फ्रेश इशू का एंट्री और फ्रेश इशू की एंट्री आपको कैसी करनी है वो भी सिखाता हूं और ध्यान से देखना बिकॉज ये एंट्री में बहुत लोगों के मिस्टेक होते हैं आपको एडजस्टमेंट में दिया रहता है फॉर एग्जाम्पल कि कंपनी ने इशू किया कंपनी इशूड फोर्टी थाउजेंड इक्विटी शेयर्स ऑफ रूपीस टेन इच ठीक है दो कंसेप्ट लेता हूँ ध्यान से समझना एट द रेट ट्वेंटी परसेंट का प्रीमियम ठीक है कितना परसेंट का प्रीमियम ट्वेंटी परसेंट का प्रीमियम एंड सिमिलरली कंपनी इशूड फिफ्टी थाउजेंड शेयर्स दोनों में से एक वैरायटी आपको ध्यान रखना है पेपर में पूछा जा सकता है टेनिच एट प्रीमियम ऑफ रुपीस क्या क्या बोल रहा है टू पर देखो क्या डिफरेंस है देखो इन दो पॉइंट्स में पहले पहले में 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 जो है ना वो that is in percentage. तो पहले में में दिया है सेकेंड पॉइंट में जो प्रीमियम है ना दैट इज इन पर सेकेंड पॉइंट में प्रीमियम पर शेयर में दिया है अभी हम दोनों कंसेप्ट के जनरल एंट्रीज को सीखते हैं ठीक है ये हमारा सीनेरियो वन यहां लिखता हो यह सीनेरियो टू लिखता हो देखो दोनों केस में प्रीमियम है तो दोनों केस में हमारी एंट्री सेम रहेगी एंट्री क्या बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट मैंने एसपी लिखा है ध्यान से एसपी सिक्योरिटीज प्रीमियम सिमिलरली यहाँ पे भी आपकी वही एंट्री बनेगी अमाउंट कैलकुलेट करने का थोड़ा तरीका ध्यान से समझ लेना बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड अगेन टू सिक्योरिटीज प्रीमियम नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू राइट तो सबसे सिंपल पॉइंट आपको इसमें यह याद रखना है कि आपको इसमें सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना है उसके बाद आप सिक्योरिटीज प्रीमियम ढूंढोगे और उसके बाद ही बैंक लिखना है पहले बैंक नहीं लिखना है देखो चालीस हजार इक्विटी शेयर्स थे दस रुपये का तो चालीस हजार को हम अगर दस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू आएगी चार लाख वो आपका क्रेडिट साइड इक्विटी शेयर कैपिटल का वैल्यू बन गया कितना परसेंट प्रीमियम है बीस परसेंट प्रीमियम है तो चार लाख का बीस परसेंट ढूंढेंगे तो कितना आएगा अस्सी हजार आएगा तो दैट विल बी योर क्रेडिट साइड और इन दोनों को प्लस करेंगे हम तो हमको बैंक के अमाउंट मिल जाएगी फोर लैक एटी थाउजेंड दिस इज द कैलकुलेशन तो सबसे पहले आपको इक्विटी लिखना है उसके ऊपर प्रीमियम ढूंढना है फिर प्लस करेंगे तो बैंक अकाउंट आ जाएगा दैट विल बी योर बैंक अकाउंट डेबिट टोटल ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम दोनों को प्लस करेंगे तो हमको बैंक की वैल्यू मिलेगी अब गड़बड़ कहां पे होता है रॉन्ग किधर होता है देखो रॉन्ग ये पर शेयर वाले में होता है 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ दस इंच तो 50,000 थाउजेंड इंटू करेंगे तो कितना आएगा 5 लाख रुपीज आ जाएगा 5 लाख रुपीज आ जाएगा 5, यहां पे हम क्या करेंगे फिफ्टी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई टू रुपीज टू रुपीज़ कहाँ से आया ये प्रीमियम है तो फिफ्टी थाउजेंड इंटू टू किया हमने फिफ्टी थाउजेंड इंटू टू करेंगे तो कितना आएगा दैट विल बी वन लैख देन फाइव लैक्स प्लस वन लैख हमको प्लस करना है तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा सिक्स लैक्स ,00 तो ये हमारे दो वराइटीज़ है जहां पे आपको फ्रेश इशू के ऊपर फोकस करना है आई होप कि इन्वेस्टमेंट सोल्ड किस तरीके से करना है एज़ वेल एज़ फ्रेशू किस तरीके से करना है दोनों सीनारियोज़ मैंने आपको बता दिए हैं तो इसी के तरफ से आपके पेपर में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इसी के बेसिस पे होते हैं तो अगर आप ये दोनों एंट्रीज़ को ध्यान रखो ये दोनों सिनेरियोज़ को कैलकुलेट करने में ध्यान रखो तो आपका ये फ्रेश इशू और इन्वेस्टमेंट शोल्ड का जो भी एंट्री होगा वो कभी गलत नहीं होगा अगर आपको इसमें से कुछ सीखने मिला है अगर आपके इसमें से कुछ कंसेप्ट रिवाइज हुए हैं तो ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि जिन लोगों को ये चैप्टर रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंश डिफ़िकल्ट लगता है उनको भी इसके रिलेटेड बेसिक सारे क्लियर हो पाए और वो भी काफ़ी अच्छे मार्क्स अपने पेपर में लेके आए इसी तरीके के रिविजन वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे और ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें थैंक यू वेरी मच बाय बाय टेक केयर